नमस्कार दर्शक बंधु मुझ चंद्रकांत सिंह स्वागत करुच्चे आज आपको बहुत सुंदर भिडियो आपण मैंने देखुं गल्ले ओडिशा यूट्यूब चैनल तो आज भिडियो मैंने कम्प्लीटली शिखिपर कि अर्सर प्रोब्लेम जदि आपको आगे भिडियो प्रोवाइड कर दीजिए जहाँ से ही उपाय को आज यूज करेंगे कि आज जो उपाय यूज करने आपको रिकमेंड करी ता बहुत सहजे आप समस्ते यूज करेंगे कम सब जीरो कस्ट यूज करेंगे जदि आपर जेकोसी प्रकार हो कारण अर्स गोटे रोग जहाँ जमीक आम प्रकार भेद अनुसार तीन चार प्रकार होता है आप देख के प्रकार होता है जदि आप पायखाना जाऊँच झाड़ा जाऊँच रक्त पड़ुँ आप ब्लड डिस्चार्ज होती सी गोटे बहुत बड़ा गंभीर समस्या और जदि आप शरीर में बहुत प्रकार कष्ट क्रिएट करुच्चा बहुत बड़ा समस्या तो आप चिंता करूँ कि भय करा दरकार नहीं आपको ग्यारंटी नुस्खा गोटे कह सब यूजफुल जिन आपको कहि जहाँ मो निजे निजे यूज करी और तरह सक्सेसफुल सफलता पाई भी मुझे भिडियो मध्यम प्रोवाइड करुच्चे तो आपने कौन करते दु चार दिन प्रोब्लेम एमती होती है कि मैसे देस प्रोब्लेम को आज अणदेखा करते जहाँ कि निश्चित रूप से शरीरपाई खराब और जब आप अणदेखा करते परवर्त मुहूर्त सी आप समस्या कारण पलट आपने कौन करना बारंबार एमती भयभीत हो अपरेसन कर दूसरे जहाँकि परवर्त मुहूर्त में आप शरीर पर ठीक नुहे ऑपरेशन करवा ही केवल परमानेंटली सॉल्यूशन नुहे बिना ऑपरेशन रे घरे आप सब कम कॉस्ट रे बहुत सुंदर उपाय आप मेडिसिन तैयारी करें विश्वास करें सामान्य जिन भयंकर रोग भल हो तो आसतु मुझे बतईदेवि से मेडिसिन कौन केमी आप खाइबे केमी यूज करेंगे तापूर्व दर्शक मत आपको निश्चित रूप से अनुरोध करी जब आप नुआक भिजिट कर गोल्डन ओडिशा यूट्यूब चैनल को निश्चित रूप से तले रेड कलर अर्थात सब्सक्राइब लिखा दिया बटन को प्रेस करूँ पाखे बेल आइकन को निश्चित रूप से प्रेस कर ऑल बटन को मारत ताकि यही चैनल में जितकी वीडियो सब अपलोड होती है सर्वप्रथम आप नोटिस नोटिफिकेशन पहुंची पार और जब वीडियो कंप्लीट आप देखते वीडियो जब हेल्पफुल लगुच वीडियो जब आपको भल लगे निश्चित रूप से वीडियो गोटे लाइक करूँ तो आसन दर्शक मतलब वीडियो को स्टार्ट करते कमी भाव तरह मेडिसिन तैयारी करूँ कौन तरह सामग्री दरकार और कमी यूज आम करवा नमस्कार बंधुगण जमी आपको मुझे कहली कि अर्स बाबासीर पाइल्स ये भयंकर रोग केमी आपने मुक्ति पाई अति सहजरे घर उपाय बिना अस्त्रोपचार जीरो कष्ट आपण मानक मुझे कि मेडिसिन तैयारी कर विधि आपको बतेबी तो देखू आपण को दुईट जिनस केवल आवश्यकता पड़ो गोटे हूँ पानपत्र जहाँ आप साधारण भाव यूज कर तो मुझे गोटे अधा पानपत्र आपर नहीं आपको आप देखते निश्चित रूप से चिन्ह पारे ये हूँ अरख गछ आउ थ रखुची ये हूँ अरख गछ जार फूल को आपने शिव पूजार यूज कर गछ जी विषाक्त ए गछ से उपकारी कारण जदि यही गछर रस गछर क्षीर जब पत्र को तोड़ीदे गोटे क्षीर टाइप बाहर जदि से क्षीर जब भूल बशत आप आखि में पड़गला तेल आपण आखि को नष्ट संपूर्ण रूप करदे कारण यार क्षीर बहुत मात्रा रे शरीर पर खराब किंतु से क्षीर को जब आपने प्रपरली भागमाप व्यवहार करेंगे निश्चित रूप से सी आप शरीर में बहुत प्रकार उपकार आनी था अर्थात जी विष से अमृत तो यही अरक को आपसी जगह निश्चित रूप से बाड़ बगीचा मान गए अदाड़िया मटी थी तेज़े से जगह पाई नदी पठा मानकर किसी रास्ता कटे सब बिना परिश्रम गच निश्चित रूप से पाइपर एवं आपको गोटे जिस आवश्यक पड़े फाड़े पानपत्र ये पानपत्र को आज जी साधारण भावुँ वास्तव में ये से साधारण नुहे आम आपको रोग आपको कह तो आज भिडियो तो आम से सब आलोचना करें केवल आज भिडियो आम आलोचना करा कि पायल्स रोग के मुक्ति पाई कारण यही पत्र एत उपकारी कि आपनेजिन करें कल्पना करें तो चलत आम शिखीदे आज जमी तार औषध को प्रस्तुत करवा तो आपंपली कौन करेंगे जितने आपने पत्र को आने को जी आ गोटे जिस निश्चित रूप से मुझे अनुरोध करी जेहेत आपर्वेद को भल पाँच चेरमूली को भल पाँच जिते भी आपसी चेरमूली गच को औषध संग्रह करेंगे निश्चित रूप से इष्टदेव को स्मरण करते निज गुरुदेव को स्मरण करते एमती पवित्र मन पवित्र भाव में जब आप नहीं आसपर आहरी अधिक भाव में काम करेंगे जमी कहते दवा आ दुआ अर्थात औषध और आशीर्वाद जो दुटा जिनस मिशी जाए तेल ये अधिक पावरफुल भाव काम कै तो निश्चित रूप से आपने मो कथ को स्पिरिचुअली मध्यम बुझीपे तो देखो ये अरख गचर सब कणिया पत्र भल कि लक्ष्य करूँ ये तो रहा बड़ पत्र रहा ये ताकि छोट पत्र रहा ताकि छोट पत्र रहा ये ताकि छोट पत्र रहा दुईट तो यही दुईट छोट पत्र को आपको नापी सिंपली पड़ो भल भाव देखते नहींजे
ତ ନେଇକି ଆପଣ ତାକୁ ଧୋଇଦେବେ, ଟିକେ ଧୋଇଦେଲା ପରେ ଦେଖିବେ ତା ଯେ କ୍ଷୀର ଅଂଶଟା ନିଶ୍ଚିତ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ତାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେଇକି ପାନ ପତ୍ର ଉପରେ ଏମିତି ସିମ୍ପଲ ଥୋଇଦେବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ ଏମିତି ନେଇଯିବେ। ତ ଏମିତି 2-3 ପତ୍ର ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବାସ୍ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାନ ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ ଉପରେ ପାନ ପତ୍ର ଉପରେ ସେ ସମୟ ସବୁ ରଖିଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପାନ ପତ୍ର। ସେ 2 ଛୋଟ ଛୋଟ ଆପଣଙ୍କ 2 ପତ୍ର ଆଣିଲେ ଅରଖ ଗଛର, ଭଲକି କହିଦେଉଛି ଅରଖ ଗଛ, ତାକୁ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ ଉପରେ ଏମିତି ରଖିଦେଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଆପଣ ରଖିଦେବେ, ଯେହେତୁ 2 ଥିଲା ମୁଁ 2 ରଖିଦେଲି, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ 3 ରଖିପାରିବେ। ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାନ ଭଳିଆ ତାକୁ ଆପଣ ମୋଡ଼ିକି ଖାଇପାରିବେ। ତାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ମୋଡ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ତାକୁ ଏମିତି ମୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଏତିକି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କାମ। ଆପଣ ତାକୁ ପୁଡ଼ିଆ ଭଳିଆ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଏଇ ପୁଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ସକାଳେ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଆପଣ ଥରେ ଖାଇଦେବେ, ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇଦେବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିପହରେ ମଧ୍ୟ 12:30 ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆକୁ ଗୋଟେ ପାଣି ଖାଇଦେବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 3 ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଥିବ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏ ଗଛ ଏତେ ଭୟଙ୍କର, ପୁଣି ଗଛ କିଏ ଖାଇବ? ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରୋଗୀକୁ ଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବେ, ତାକୁ ସେ ଗଛ ବିଷୟରେ କେବେ କହିବେ ନାହିଁ କି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆହେଉଛି ବୋଲି, କାଳେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଭାବନା ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖାଯାଏ, ତ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଭୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ଆପଣ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇ ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ହେଉଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରୟୋଗ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର କାମ ଦେବ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଇସ୍ ହେଇଯାଉନା କାହିଁକି, ରକ୍ତ ପଡ଼ୁ କିମ୍ବା ରକ୍ତ ନ ପଡ଼ୁ କିମ୍ବା ପଦ୍ମ ଭଳିଆ ବାହାରିଥାଉ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଇଥାଉ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭେଦ ହେଇଥିଲେ ବି 100% କାମ ଦେବ। ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣମାନେ ଘରୋଇ ଭାବରେ 0% ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ହେବାର କିଛି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, 100% ଇଏ ସିଓର ଭାବରେ କାମ ଦେବ। ତ ଆଶା ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି।